दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे रिको के अंदर जो वैकेंसी आई है। दोस्तों रिको आपने नाम सुनना होगा, रिको के अंदर वैकेंसी आई है जिसका जूनियर असिस्टेंट का। दोस्तों जो जूनियर असिस्टेंट के अंदर क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ये फॉर्म भर सकता है जूनियर असिस्टेंट का। अगर आप 12वीं पास हैं और अगर आपके पास में RACET कोर्स या दूसरा कंप्यूटर कोर्स है तो आप इसके अंदर फॉर्म आपको भर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसका सिलेबस क्या है, पूरी डिटेल ये ऑफिशियल अपडेट है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और सिलेबस जो आपके सामने दे रखा है सिलेबस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो दोस्तों पूरा सारा सिलेबस आपके सामने खुल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, पूरा सिलेबस मैं आपके सामने ओपन करूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सिलेबस की बात करते हैं। दोस्तों सिलेबस क्या है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो सिलेबस दे रखा पूरा डिटेल से मैं एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूँ और एक एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ कि आप फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। देखिए जूनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट क्या है, जूनियर असिस्टेंट इसके अंदर देखिए पहला जो पार्ट है, इस पहले पार्ट के अंदर पहला सेक्शन के अंदर आपको 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 15, और 15 आपके जो नंबर कितने होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपका 45 क्या है, 45। अब देखिए दोस्तों क्या करना, इसके अंदर क्या है, राजस्थान जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चंस क्या आएंगे, राजस्थान जीके के क्वेश्चंस, पूरा राजस्थान जीके यहाँ पर दे रखा है। देखिए इवेंट ऑफ स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, उसके बाद में ज्योग्राफी, कल्चर्स इन इंडियन एंड राजस्थान, यानी पूरे भारत की कल्चर भी आएगी और ज्योग्राफी आएगी, यानी राजस्थान जीके भी है साथ साथ में इंडिया जीके भी आपका है और पूरा पोजिशन 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 आएंगे। उसके साथ साथ में इंडियन हिस्ट्री भी आएगी, इंडियन दोस्तों हिस्ट्री इंडिया की भी आएगी और राजस्थान की आएगी, और कल्चर आपकी यानी कला और संस्कृति राजस्थान की आएगी और इंडिया की आएगी। यानी इसका कहने का मतलब है कि पूरा आपका जो लेवल है पूरा का पूरा इंडिया लेवल पे भी है और राजस्थान लेवल पे भी है। उसके बाद में जो पार्ट्स 20 सेक्शन है जिसके अंदर जनरल साइंस आएगा वो भी 15 क्वेश्चन और 45 नंबर का अंदर है। इसके अंदर देखिए पूरा मैथ दे रहा, पूरा जो साइंस है वो साइंस आपका दे रखा है दोस्तों, पूरी साइंस आपके सामने। उसके बाद में देखिए आपका सी सेक्शन के अंदर आपका मल्टीपल रीजनिंग आएगा, क्या आएगा, रीजनिंग भी कितना नंबर का आएगा, 15 नंबर का और 45 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में जो डी ऑप्शन है वो बेसिक कंप्यूटर के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और 45 नंबर के आएंगे, जैसे इनपुट है, आउटपुट है, कंप्यूटर का प्रोसेस है, आउट सिस्टम है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो इस प्रकार से आपका कंप्यूटर का भी सवाल। इसका पूरा जो PDF फाइल है ना, इसका PDF फाइल में नीचे आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, पूरा सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपका जो एग्जाम सेकंड पार्ट्स, जो आपका सेकंड पार्ट्स है उसके अंदर क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, देखिए 90 क्वेश्चंस, यस। अब देखिए हिंदी सेक्शन के अंदर संधि है, संधि विच्छेद, समास है, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, एका, विसर्ग, ध्वनि, परिभाषित, हिंदी इंग्लिश, समानता, शुद्धि अशुद्धि, मुहावरे और लोकोक्ति और कार्यालय पत्र, तो ये हिंदी का आपका पार्ट है दोस्तों, क्या हिंदी का पार्ट है। 30 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो कितने हो गए, 90। अब इंग्लिश के अंदर वही है दोस्तों, एक सेंटेंस आएगा, टेंस आएगा, पैसिव एक्टिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशंस, सेंटेंस, एंटोनियम, सिनोनियम, तो ये आपका, और एक पैसेज भी आएगा, तो ये आपका इंग्लिश का मैटर हो गया, क्या हो गया, इंग्लिश का मैटर है। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें दोस्तों, मैथमेटिक्स, और दोस्तों यहाँ पर लेटर पेड जो ऑफिस के लिए लेटर पेड भेजते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं। उसके बाद मैथ का जो सी पोजिशन है वो मैथ का है, मैथ के अंदर नंबरिकल, प्रीपोजिशन, यस, अच्छे प्रश्न है, मैथ के भी लेवल अच्छा है। उसके जो 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर का आएंगे, सी पोजीशन के अंदर आएंगे, तो ये पूरा का पूरा यस रिटन एग्जाम से, और इसके अंदर दोस्तों दे रखा है ओनली कैंडिडेट है वही रिटन एग्जाम के अंदर बैठेंगे, पोस्टें के लिए आप फॉर्म भर रहा है तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। 3 घंटों का टाइम है, 3 घंटे आपका टाइम है, यस, कितने घंटे का, 3 घंटे का है। माइनस मार्किंग यहाँ पर कोई मेंशन नहीं कर रखी, तो माइनस मार्किंग आपकी होने वाली नहीं है। और उसके बाद में जो आपका टाइप टेस्ट होगा, क्या होगा, एग्जाम के बाद में आपका टाइप टेस्ट होगा, क्या होगा, टाइप टेस्ट के अंदर क्या होगा, अगर आप हिंदी और इंग्लिश कंप्यूटर की स्पीड है, यहाँ पर देखेंगे हिंदी की स्पीड है 10 मिनट में आपको 25 वर्ड्स 10 नंबर्स का, और इफिशेंसी में 10 नंबर, यस। उसके बाद भी इंग्लिश के अंदर
25 वर्ड्स मिनिमम 25 वर्ड्स, तो यहाँ पर 100 नंबर और 40 क्वालिफाई, आपको क्वालिफाई नंबर करना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपको बार हो जाएगी। तो ये आपकी टाइपिंग टेस्ट है हिंदी और इंग्लिश का। तो देखिए यहाँ पर अपडेट पूरा का पूरा सिलेबस, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और भी आपको चाहिए तो हमारे साथ जुड़ते रहिए दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।